नमस्कार, सीक्रेट मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब नाउ पर जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस को भी आप एंजॉय कर पाएं। और इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि क्या है हनुमान जी के पांच मुख का रहस्य। देखिए पौराणिक कथा। आपने कई जगह हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके इन पांच मुख के पीछे क्या राज है? आइए इसकी पौराणिक कथा जानते हैं। जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तब इस समस्या से उभरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान श्री राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया था कि यह कार्य अहिरावण का है, और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले। कैसे हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को मुक्त किया और क्यों धरा पंचमुखी रूप? वहां पांच दीपक होने पांच जगह पर पांच दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। इन पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा, इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धर कर उन्होंने वे पांचों दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को उससे मुक्त कर लिया। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है कि जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान जी को पता लगती है, तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायुगमन की शक्ति के लिए गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि प्राप्त करने के लिए। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं उनकी सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और प्लीज 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 इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस को भी आप एंजॉय कर पाए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।